हाय फ्रेंड, ऑल टेक सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको बताएंगे कैमरे सेटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन का कैमरा चालू हो चुका है। आपको कुछ इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे, इसमें ब्यूटी बताएंगे और गूगल लेंस बताएंगे, ठीक है। शॉर्टकट फर्स्ट ट्रिक ये है कि आप ऊपर स्लाइड करेंगे तो आप अपना मोबाइल का फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अभी 4:3 है, 1:1 है, फुल स्क्रीन है और 69 है, जो यूट्यूब की ये यूट्यूब वीडियो के लिए की जाती है। मैं इसको 4:3 में रख सकता हूँ। यहाँ आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, टाइमर 3 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। और उसके बारे में अधिक जानकारी है। सेकेंड ट्रिप्स ये है कि ब्यूटी, आप यहाँ से आप फ़ोन की ब्यूटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन गूगल लेंस, जैसे आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और गूगल लेंस चालू करेंगे तो आपके उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप जूम कर सकते, जूम इन, जूम आउट। और पांचवी ट्रिक्स जो यहाँ दिखा सकता हूँ मैं आपको, मोर सेटिंग्स। यहाँ से आप पेनो फोटो, टाइम लेक्स यानी फास्ट फूड वीडियो बना सकते हैं, स्लो मोशन की वीडियो बना सकते हैं। और प्रो में आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं, इसमें लाइट कम ज़्यादा जो भी है, ठीक है। इसके बाद एक और जानकारी दे सकते हैं कि A1 फोटो, जैसे A1 में आप अगर रखते हैं तो आपको कैमरा ऑटोमेटिक कलर कैप्चर कर लेगा या जो भी जानकारी आपको बता देगा। और आपका कैमरा अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है उसके लिए भी हम आपको बता सकते हैं कि ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से आप अपने फ़ोन को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जा रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ़ोन प्रॉपरली वर्क कर लेगा। इसमें वीडियो की बेस्ट क्वालिटी आप सेट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी, कम ज़्यादा, वीडियो रिवोल्यूशन जो होता है 4K ये भी सेट कर सकते हैं, 180, 720, सॉफ्टिंग वाटर मार्क भी डाल सकते हैं आप यहाँ से, डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं फ़ोटो पे, और लोकेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन ऐड करते हैं तो जैसे आप कहीं भी फ़ोटो लेंगे तो आपके फ़ोटो में लोकेशन आ जाएगी, आपने कहाँ से फ़ोटो लिया है। शटर साउंड, जैसे आप फ़ोटो खींचते तो आपको फ़ोटो फ़ोन में साउंड आ जाएगा। फिंगरप्रिंट साउंड, जैसे आप टच करेंगे तो फिंगरप्रिंट टच करेंगे तो आपकी फ़ोटो लेके हो जाएगी। इसमें शटर, वॉल्यूम बटन से और जूम से, अगर आप डबल टैप करेंगे तो फ़ोटो खिंच जाएगी, वॉल्यूम बटन से भी फ़ोटो खिंच जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको ये जानकारी देना था। जैसे यहाँ से फ्लैश आप ऑटोमेटिक ऑन भी रख सकते हैं या ऑटो पे रख सकते हैं। अगर लाइट होगा तो फ्लैश नहीं जलेगा और लाइट कम होगा तो फ्लैश जल जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं हम फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट कैमरा में आपको भी फ्लैश अगर ऑन रखना है तो वही जो मैं आपको बताया वही सेटिंग करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में आपको यही जानकारी देना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।